हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं गौतम। आज हम बात करेंगे कौन सा टायर अच्छा है, ट्यूबलेस टायर या ट्यूब टाइप टायर। तो चलो इसे शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप यहां पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल नोटिफिकेशन आइकॉन, ताकि मेरे आने वाले अगले वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिलती रहे। अगर हम बात करेंगे ट्यूबलेस टायर वो अच्छा है या ट्यूब टाइप टायर, तो कभी कभी कस्टमर मेरे पास टायर खरीदने के लिए आता है, तब वो हम उसे ट्यूबलेस टायर के बारे में बोलते हैं तो वो मना करता है, नहीं मुझे तो ट्यूब टाइप ही टायर चाहिए। तो उसे कहीं ना कहीं लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन होती है ट्यूबलेस टायर के बारे में। वो से पुरानी टेक्नोलॉजी वाले ट्यूब टाइप टायर की डिमांड रखते हैं। तो आज हम ये क्लियर करेंगे कि ट्यूबलेस टायर अच्छे है या ट्यूब टाइप टायर। तो फ्रेंड्स, हम पहले टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हैं ट्यूब टाइप टायर की और ट्यूबलेस टायर की। ट्यूब टाइप टायर क्या है, वो पुरानी टेक्नोलॉजी है। अगर आप 10 साल पहले की सारी गाड़ियां देख लेंगे तो उसमें उस तरह के ट्यूब टाइप टायर देखने को मिलेंगे आपको। पर यह ट्यूबलेस टायर एक नई टेक्नोलॉजी है जिसे ज्यादा एडवांस किया गया है। अगर हम टेक्नोलॉजी के बारे में देखें तो क्या होता था, अगर ये ट्यूब टाइप टायर है तो इसमें क्या एक टायर रहता था, उसके बीच में इस तरह से एक ट्यूब डाली जाती है और यहाँ पे हमें रिम रहती है। तो ये ट्यूब होती क्या है कि इसमें एयर रहती है जिससे यह हमारे टायर को सपोर्ट दिया और यह टायर चले आ गया। तो ट्यूबलेस टायर में क्या होता है देख सकते हैं आप, इस तरह से ट्यूबलेस टायर होता है। वो एक टायर होता है और उसमें इस तरह से सेपरेट ट्यूब नहीं होती, ट्यूब होती है पर वो कंपनी के द्वारा बनाए गए टायर में अंदर पहले से फिक्स कर दी जाती है। सपोर्टेड ट्यूब होती है जो इस तरह से सेपरेट नहीं रहती और उसके अंदर एयर लगती है और बाहर हमारे रिम के ऊपर ये टायर फिट हो जाता है। इस टेक्नोलॉजी से ट्यूबलेस टायर बनाया जाता है। अगर अब सेफ्टी के बारे में देखिए तो ट्यूबलेस टायर ज्यादा अच्छे है ट्यूब टाइप टायर से। तो इसे हम डिस्कस करते हैं तो क्या होता है, जब हम कार ड्राइविंग कर रहे हैं और अचानक पंचर आ जाता है कार में, कोई पिन या कोई कुछ भी टायर में घुस जाए, तो ट्यूब टाइप टायर में क्या होता है, तुरंत एयर निकलना स्टार्ट हो जाता है, एक ही झटके में एयर निकल जाती है क्योंकि उसमें ट्यूब सेपरेट रहती है। तो क्या होता है, अंदर ट्यूब सेपरेट रहने की वजह से वो पंचर की जगह से एकदम एयर को बाहर निकाल देती है। और ट्यूबलेस टायर में क्या होता है, जब कोई भी पंचर उसमें आता है तो वहां पे वो स्मॉल होल बनता है क्योंकि ट्यूब फिक्स रहती है इसके अंदर, इसलिए वो मूवमेंट नहीं कर पाती, तो स्मॉल होल होता है और धीरे धीरे एयर निकलती है। तो ट्यूबलेस टायर में क्या होता है, अगर पंचर हो जाए तो भी हम कार को 50 से 100 किलोमीटर तक चल जाती है। और कभी कभी क्या होता है, कुछ पंचर के खिल या पिन घुस जाए टायर में तो वो भी वहां पर फिक्स हो जाती है, वो भी एयर निकलने ही नहीं देती। कई बार तो पंचर होने के बाद भी एयर निकलती नहीं है ट्यूबलेस टायर में। इस हिसाब से ट्यूबलेस टायर काफी अच्छे है। और दूसरा पॉइंट की बात करें, आपने रोड पर टायर ब्लास्ट होते हुए देखा होगा तो उसमें आप देख सकते हैं 99% टायर ट्यूब टाइप टायर रहते हैं। इसमें क्या होता है, ट्यूब टाइप टायर होने की वजह से वो ब्लास्ट हो जाता है। उसका रीजन यह है कि अगर ट्यूब होती है और थोड़े समय के बाद वीक पड़ने लगती है और वो कमजोर हो जाती है, और कभी कभी वो ज्यादा प्रेशर आने की वजह से अगर व्हीकल में ज्यादा लोड आए तो वो ब्लास्ट हो जाती है, जिससे हमारे व्हीकल का कंट्रोल जा सकता है और एक्सीडेंट होने का संभावना बढ़ जाती है और हादसे भी हो जाते हैं। देखे तो क्या होता है, अगर ट्यूब टाइप टायर होता है उसमें पंचर आ जाए तो क्या करना पड़ता है, पहले उसे रिम में से फ्री करना पड़ता है, उसमें से ट्यूब बाहर निकाली जाए, फिर पंचर किया जाए, तो क्या होता है उसमें टाइम भी ज्यादा लग जाता है और खर्च भी ज्यादा आता है। इसके जगह अगर देखे तो ट्यूबलेस टायर होता है तो उसका हम पंचर होता है बाहर से फाइंड कर सकते हैं और बाहर से ही फिक्स किया जाता है, तो वो कॉस्टिंग के मामले में भी देखे तो बहुत कम है। और प्राइसिंग के बारे में देखिए तो जो टायर ट्यूबलेस टायर से कभी कभी ट्यूब टाइप टायर की प्राइस ज्यादा होती है। उसमें क्या होता है, एक तो टायर की प्राइस तो लगती है, ऊपर से एक्स्ट्रा ट्यूब की भी प्राइस लगती है, उससे उसकी प्राइस ज्यादा हो जाती है और ट्यूबलेस टायर की प्राइस उनसे कम रहती है और वो टेक्नोलॉजी भी बेहतर है, इसलिए ट्यूबलेस टायर उसमें भी अच्छे रहते हैं। अगर अपनी कार में पंचर हो जाए तो आप थोड़ी सी अगर ट्यूबलेस टायर यूज करते हैं तो उसका थोड़ा सी इन्फॉर्मेशन हो तो आप घर पर ही उसके टूल अपनी कार में टूल रख सकते हैं, और अगर रास्ते में पंचर हो जाए तो आप उसे रास्ते पर ही फिक्स कर सकते हैं। एक सिंपल तरीके से उसका भी आप खुद ही उसका मेंटेनेंस कर सकते हैं। तो मैं ये कैसे किया जाता है वो मैं आपको अगली बार वीडियो एक दूंगा, उसमें बताऊंगा कि ट्यूबलेस टायर का पंचर कैसे फिक्स किया जाता है। पर आप ये सारी बातें हमने जो डिस्कस की उससे यह तय होता है कि ट्यूबलेस टायर अभी बेस्ट है और नई टेक्नोलॉजी है, इसलिए ट्यूबलेस टायर का ही यूज करना चाहिए।
ट्यूब टाइप टायर पुरानी टेक्नोलॉजी हो गई है, और उसमें जो जो जरूरियात थी उसे चेंज करके ये नई टेक्नोलॉजी ट्यूबलेस टायर को लाया गया है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छे लगे तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल नोटिफिकेशन आइकॉन, ताकि मेरे आने वाले अगले वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिलती रहे।